आज 11th क्लास में लेक्चर 27 है ये। हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज और आज करेंगे हम एक्सरसाइज 9.4 के फिफ्थ से आगे तक के सम, फोर्थ तक सम और उसके एग्जाम्पल इससे पिछले वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिक्स सेवन्थ तक के क्वेश्चन में हमने क्या करना था, हमने सम ऑफ एन टर्म्स निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए क्या है आपके पास, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर। क्या है हमारे पास सीक्वेंस, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, पहले हर एक टर्म क्वेश्चन में क्या करते आ रहे हैं, हम एन टर्म निकालते आ रहे हैं तो हम इसकी भी एन टर्म निकालेंगे। है कैसे ये हमारे पास 5 प्लस 6 प्लस 7 ऐसे है, तो ये एक तरह से क्या है हमारी एपी है। एपी के अन्य टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, ए की वैल्यू रखते हैं डी की वैल्यू रखते हैं, सिंप्लीफाई करें इसको क्या आ गया हमारे पास एन प्लस 4। ये सारी टर्म का स्क्वायर है तो इसकी अन्य टर्म क्या आ जाएगी एन प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई अन्य टर्म, इसको खोल लें हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आएगी आपके पास एन टर्म। बट हमें एन टर्म नहीं निकालना, हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। सम ऑफ टर्म का मतलब एन स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू एन का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा हमारे पास SN, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर प्लस में 8 समीशन एन प्लस में 16, ए वन में भी 16 आएगा, सेकेंड टर्म में भी 16 आएगा, थर्ड टर्म में 16 आएगा, एन टर्म में 16 आएगा, तो उनका सम क्या हो जाएगा आपके पास 16n। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या, n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन में 6 8। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हमें पता है n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 प्लस में 16n। अब हमें थ्रू आउट कॉमन लेना है, हम कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन आएगा अपॉन में 6 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा हमारे पास n प्लस n 2n प्लस 1। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 की 8 से मल्टीप्लाई 24, n हम कॉमन ले चुके हैं तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ n प्लस 1 अपॉन में क्या है 1, तो 16 की और 6 की मल्टीप्लाई क्या आ गई आपके पास 96, बट n हम कॉमन ले चुके हैं। सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर प्लस में 2n प्लस n प्लस 1 प्लस में 24n प्लस 24 प्लस 96। फिर जो टर्म्स ऐड होते हैं उनको ऐड कर दीजिए, 2n स्क्वायर 24n 2n 26 और 1 27n, और इन सबको ऐड करें 94 24 और 1 यानी 25, 94 नहीं 96 96 और 25 121। इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, ये हमारे पास क्या आया है SN, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स का क्या, n टर्म्स का क्या आ गया, ये हमारे पास सम आ गया। बट हम क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या है, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, 20 के स्क्वायर तक की टर्म्स है, तो ये टोटल टर्म्स कितनी है 16 है, तो हम यहाँ पे n को किससे रिप्लेस करते हैं 16, ये आ जाएगा आपके पास 16 टर्म का सम। n को किससे रिप्लेस किया 16 से, 2n स्क्वायर n की जगह हमने 16 रखना है प्लस में 27, n की जगह फिर 16 रखना है हमने प्लस में 120। इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये टर्म्स कट रही हैं, दो से हमने इसको काट दिया, 16 की 16 से मल्टीप्लाई और फिर 2 से, ये तो आएगा 256 और फिर हमने 2 से भी करना है 512, 27 की और 16 की भी कर दे
ये आ गया आपके पास 432 और ये क्या है साथ में 121। मल्टीप्लाई का जरूर ध्यान रखना आपने, अच्छे से करनी है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं। इनको ऐड कर दो 512 को, 432 को और 121 को, क्या आ गया आपके पास 1065। ये टर्म कट रही है। हाँ, तीन से कट रहा है, तीन दिया 9, 16, 3 5 15, 3 5 15, क्या आ गया आपका पास 8 और 355 की आप मल्टीप्लाई कर दे 8 40 44, 2840, ये आपके पास आंसर आ गया। कैलकुलेशन ये था, देखिए जरा हमने कैसे किया। हमें क्वेश्चन में क्या हुआ दिया था, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अप टू 20 के स्क्वायर तक हमें इसका सम निकालना था। हमने क्या किया, हमने पहले अंडर टर्म निकाली, फिर सम ऑफ एन टर्म्स किया, यानी कि हमें एन टर्म्स का सम पता है। जब हमें एन टर्म्स का सम पता है तो हम इन कोई भी सम निकाल सकते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स का भी, थ्री टर्म्स का भी, फोर टर्म्स का भी, एन की जगह वो वैल्यू हम रखते जाएंगे। अंडर टर्म कैसे निकली, 5, 6, 7 ये एपी बन रही थी, एपी की अंडर टर्म हमें पता है, हाँ सबने इसकी अंडर टर्म निकाली। एसएन सम के लिए हमने क्या कर दिया, इन सबका समीशन कर दिया, इनका फॉर्मूला हमें पता है, फिर जो टर्म कॉमन आ रही थी कॉमन ले लिया, रिमेनिंग को सॉल्व कर दिया। इससे आगे सॉल्व हो नहीं पा रहा था तो ये हमारा क्या आ गया है एसएन। बट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था, 5 से लेकर 20 तक इन टर्म्स को काउंट करें तो ये 16 टर्म बनती है, तो एन के एन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया 16 से, क्योंकि हमें 16 टर्म का सम ही चाहिए है, तो हमने एन को 16 से रिप्लेस कर दिया, बाकी कैलकुलेशन पार्ट था और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये फिफ्थ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या है, आपको एक स्पेशल सीरीज दे रखी है और आपने उनका क्या निकालना है, उनकी एन टर्म्स का सम निकालना है। प्रोसेस हम वही करेंगे जो हर क्वेश्चन में करते आए हैं, पहले हम अंडर टर्म देखेंगे और फिर एसएन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, 3 × 8 + 6 × 11 + 9 × 14 हमने अंडर टर्म निकालेंगे, तो हमें कैसे दिख रही है 3, 6, 9, एक हमें टर्म ये सीक्वेंस हमें ये दिख रही है, 8, 11, 14 एक हमें ये दिख रही है, तो हम क्या करेंगे एनथ टर्म ऑफ किसकी निकालेंगे हम 3 की 6, 9, एक तो इसके अंदर टर्म निकालेंगे और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है nth टर्म ऑफ दूसरी टर्म क्या हमारे पास 8, 11 and 14 ऐसे। इनकी nth टर्म देख लेते हैं पहले 3, 6, 9 and so on। एपी है, एपी के nth टर्म a + n-1 d, a की वैल्यू 3, डिफरेंस भी ध्यान से देखें तो 3 है, 3 + 3n-3 और ये क्या आ गया आपके पास अंडर टर्म 3n। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 3 है, 6 है, 9 है, तो अंडर टर्म क्या आएगी 3n। दूसरी देखिए जरा 8, 11, 14, यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है, तो ये आपके पास क्या है एपी है, इसकी भी अंडर टर्म हम निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू हमने रखी है, डिफरेंस हमारे पास 3 है, हमने ब्रैकेट को सोल्व किया, क्या आ गया 3n + 5, 3n + 5 ये आ गई हमारी एन नेट टर्म। इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, 3 × 3 = 9n² + 15n, ये आई है हमारी एन टर्म। हमें एन टर्म नहीं, हमें क्या चाहिए एसएन, यानी कि इन टर्म्स का सम 9n² + 15 समीशन एन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n × n+1 2n+1/6, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n × n+1/2। 3 से कट रहे हैं दोनों टर्म्स, काट देते हैं। अब हम टर्म्स कॉमन लेते थे, हमारे पास कॉमन आ रही है n + 1/2, 3 भी कॉमन आ सकता है।
अंदर क्या बचा है, थ्री बी कॉमन ले लिया हमने, एन भी कॉमन ले लिया, एन प्लस वन भी ले लिया बाय टू बी, अंदर क्या बचा है टू एन प्लस वन। यहाँ से टू बी कॉमन आ चुका, एन बी, एन प्लस वन बी और थ्री बी कॉमन आ चुका, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 5, 3 एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, इनको ऐड करें तो 2n प्लस 6। हम इसमें से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 3n n प्लस वन, 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा n प्लस 3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट और हमारा आंसर क्या आ गया 3n n प्लस 1 और n प्लस 3, ये हमारा आंसर। देखिए सर इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, सिंपली सा है ये क्वेश्चन, 3 × 8, 6 × 11, 9 × 14, ऐसे सब मल्टीप्लीकेशन में आपको कोई स्पेशल सीरीज दे रखी थी। हमने ध्यान से देखा तो हमें दो ही सीक्वेंस का सम मिला हमें, ये किसका, एक तो है 3, 6, 9, एक तो ये हमारी बन रही है, एक 8, 11, 14, दोनों ही हमने देखा ध्यान से, दोनों ही एपी है और एपी की अन्य टर्म हम इजीली निकाल सकते हैं। हम दोनों की अन्य टर्म निकाले, सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इस पूरी सीक्वेंस की, हमें पूरी सीरीज की हमें क्या मिल गई, हमारी एन एट टर्म मिलगी। और जैसे हमें एन एट टर्म मिलगी हम सम इजीली निकाल सकते हैं, सम ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ एन का फॉर्मूला हमें पता है। कैलकुलेशन पार्ट में सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं जो कॉमन टर्म आती है, रिमेनिंग को एलसीएम लेके हमने सॉल्व कर दिया और हमारे रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसे दे रखा है, क्या है देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का, कैसे दे रखी हमें सीरीज, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली हमें इसकी अन्य टर्म दिख रही है क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में एन का स्क्वायर, यही आनी है इसकी अन्य टर्म। और ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय 6। इसको सॉल्व कर ले, एन मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, टू एन स्क्वायर प्लस टू एन और एन, थ्री एन प्लस वन बाय 6, एन से मल्टीप्लाई, टू एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस एन बाय 6, ये आई आपकी एन टर्म। बट हमें क्या निकालनी है, एस एन, एस एन के लिए हमने क्या किया, 1/6 ले लिया, 2 समीशन एन क्यूब प्लस 3 समीशन एन स्क्वायर प्लस समीशन एन, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से क्या है, हमें सीरीज ही ऐसी दे रखी है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो एन टर्म क्या होनी है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस में एन का स्क्वायर, और इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई किया है, ये हमारी एन टर्म आई है। अब हमने क्या निकालना है, एस एन, एस एन के लिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 एन क्यूब का फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन बाय 2 का स्क्वायर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये होता है फॉर्मूला, प्लस में 3 समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय 6 समीशन एन का फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन बाय 2। सॉल्व करते हैं, 2 होल स्क्वायर को खोलेंगे, एन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर बाय 4 प्लस में 3 एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय 6 प्लस में एन इंटू एन प्लस वन बाय, कैंसिल आउट हो जाएगा 2 आ गया, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा 2 आ जाएगा, सब में है 2 कॉमन, 2 कॉमन बाहर ले लेते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं, एन ले सकते हैं, एन प्लस वन भी ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, एन स्क्वायर था, एक एन बाहर आ गया, एक बचेगा, एन प्लस वन का होल स्क्वायर था, एक बार कॉमन ले चुके तो एक बार अंदर बचेगा, प्लस में एन कॉमन ले चुके, एन प्लस वन कॉमन ले चुके, क्या बचा, टू एन प्लस वन, अपॉन में 2 भी हम कॉमन ले चुके, अपॉन में 2 भी कॉमन ले चुके, एन भी, एन प्लस वन भी, सारी टर्म कॉमन ले चुके, क्या आ गया हमारे पास 1। इसको सॉल्व करें हम, 1 बाय
सिक्स और टू की मल्टीप्लाई 12 एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन। अंदर वाले टर्म्स को सॉल्व करें, एन स्क्वेयर प्लस एन, एन स्क्वेयर प्लस एन प्लस टू एन प्लस, सिंप्लीफाई कर लें, एन इंटू एन प्लस वन, ये बनेगा आपके पास एन स्क्वेयर प्लस थ्री एन प्लस में टू। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर हम इजीली बना सकते हैं, 1/12 एन इंटू एन प्लस वन, और इसके फैक्टर आपके बनेंगे एन प्लस वन और एन प्लस टू। और एक स्टेप हो सकता है, क्या हो सकता है वो देखिए, क्या आ गया हमारे आंसर, 1/12 एन, एन प्लस वन टू टाइम्स है तो हम इसको लिखते हैं एन प्लस वन का होल स्क्वायर, साथ में क्या आ गया एन प्लस टू, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हमने वैसे ही हर क्वेश्चन में जो काम करते आए हैं वही हमने यहाँ पे किया है, बिल्कुल अलग नहीं था ये क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एनर टर्म निकाली, उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया है, जैसे ही हमें एनर टर्म निकली हमने एस एन का फॉर्मूला लगाया, एस एन के लिए हम क्या लगाते हैं, समीशन का फॉर्मूला, यानी कि एन टर्म्स का सम करना है, समीशन एन क्यूब का फॉर्मूला रखा, समीशन एन स्क्वेयर का, समीशन एन का, सिंप्लीफाई किया, जो टर्म कॉमन आ सकती थी उन्हें कॉमन ले लिया, रिमेनिंग को सॉल्व किया, एंड में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसके भी हमने फैक्टर बना चुके, इट मीन्स जितना आपने सॉल्व करना है ना, हो सकता है उतना आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आ गई टर्म, इससे आगे सिंप्लीफाई हो नहीं सकता था, तो ये हमारा आंसर आ गया है। ये थे सेवंथ क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 10 इन तीनों ही क्वेश्चन में आपको अब क्या कह दिया, एन टर्म गिवन है, अब तक हम एन टर्म निकालते आ रहे थे, अब एन टर्म इसने दे दी, इसने कहा है कि आपने जब एस एन निकालना है। ठीक है, 8 का सॉल्यूशन देखिए, एन टर्म क्या है, एन इंटू एन प्लस वन और एन प्लस फोर, हम इसको सॉल्व कर ले, दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वेयर प्लस फोर एन और एन, फाइव एन प्लस में फोर, बाहर एन है तो एन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन क्यूब प्लस फाइव एन स्क्वेयर प्लस फोर एन, ये आ चुकी है एन टर्म। हमने क्या निकालना है, एस एन, एस एन के लिए समीशन लगा दें, समीशन एन क्यूब फाइव समीशन एन स्क्वेयर प्लस फोर समीशन एन, इनकी वैल्यूज रखिए, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वेयर, एन स्क्वेयर की वैल्यू एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स प्लस में फोर, समीशन एन की वैल्यू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एन स्क्वेयर एन प्लस वन का स्क्वेयर बाय फोर प्लस में फाइव एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स प्लस में फोर एन एन प्लस वन बाय, हम एलसीएम लेते हैं फोर सिक्स और टू का, क्योंकि हमने कॉमन लेना है ना, टू से करेंगे फिर टू से थ्री, ट्वेल्व आ रहा है, एक तो हम क्या लेंगे कॉमन में, देखिए एक तो एन सब में है, एक एन प्लस वन सब में है, और एक साथ में क्या ले लेते हैं, ट्वेल्व कॉमन लेते हैं, ट्वेल्व को फोर से डिवाइड किया, थ्री थ्री के ऊपर मल्टीप्लाई, एन स्क्वेयर था, एक एन बाहर है एक अंदर, एन प्लस वन का स्क्वेयर था, एक बार बाहर है कॉमन में और एक बार प्लस में, ट्वेल्व को सिक्स से डिवाइड किया, टू टू के ऊपर मल्टीप्लाई, फाइव से टेन, एन भी कॉमन ले चुके, एन प्लस वन भी कॉमन ले चुके, क्या बन गया टू एन प्लस वन, ये हमारे पास बच गया है, ट्वेल्व को टू से डिवाइड करेंगे सिक्स, और सिक्स की फोर से मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर, एन हम कॉमन ले चुके और एन प्लस वन भी हम कॉमन ले चुके, एन इंटू एन प्लस वन बाय ट्वेल्व, इसको सिंप्लीफाई करें, थ्री एन स्क्वेयर प्लस थ्री एन प्लस ट्वेंटी एन प्लस टेन प्लस ट्वेंटी फोर, जो टर्म एड हो सकती है हमको हम एड कर देते हैं, एन इंटू एन प्लस वन बाय ट्वेल्व, ये तो कॉमन था, थ्री एन स्क्वेयर थ्री एन और ट्वेंटी एन प्लस में ट्वेंटी थ्री एन, टेन और ट्वेंटी फोर जोड़ेंगे तो क्या आ गया थर्टी फोर। अभी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके आगे फैक्टर नहीं हो सकते,
तो हम इसे यही छोड़ देते हैं और यही हमारा आंसर है। सिंपल सही था ये क्वेश्चन, तो काफी क्वेश्चंस करेंगे हम आपके लिए, बहुत इजी हो गया क्वेश्चंस को समझना। एनर टर्म गिवन थी, एनर टर्म हमें निकालनी ही नहीं पड़ी, एनर टर्म हमें गिवन थी, हमने एस एम लगा दिया, सम किया है, समीशन एन क्यू का फॉर्मूला रखा, समीशन एन स्क्वायर का, समीशन एन का, जो टर्म कॉमन आ सकती थी उन्हें कॉमन ले लिया, रिमेनिंग को जस्ट हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें क्या दे रखा है, हमें एन एट टर्म दे दी है और हमने क्या निकालना है, एस एन। देखते हैं एन एट टर्म कैसी है, क्वेश्चन नंबर 9, एन एट टर्म कैसी है हमारे पास, एन स्क्वायर प्लस 2 की पावर। देखिए जरा, अगर इसमें हम फर्स्ट टर्म देखें तो क्या आएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1। सेकेंड टर्म देखें तो क्या आएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2। थर्ड टर्म देखें तो क्या आएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए जरा एस एन कैसे निकलेगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि समीशन एन स्क्वायर। और इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, समीशन 2 की पावर एन, यानी कि 2 की पावर एन प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 अप टू इन सबका क्या निकालना, हमने सम निकालना है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, एन नेट टर्म का मतलब ये है, एस एन हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। अब समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमें पता है, बाय 6। इसका सम क्या बनेगा, इसका सम तो देख एक्चुअली है क्या, ये समीशन 2 की पावर एन का मतलब क्या है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस में 2 की पावर है, यही है ना, एन टर्म्स का सम है। ध्यान से देखो तो ये हमारे पास क्या है, जीपी है, ये जीपी है ना हमारे पास, और जीपी में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या बनी हुई है यहाँ पे, 2, और कॉमन रेशियो भी क्या है आपके पास, 2। एक टर्म एक्चुअली है क्या, 2, 4, 8 ऐसे, तो रेशियो निकालेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 2। रेशियो हमारा 1 से बड़ा है तो हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या लगेगा, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। जब आर 1 से बड़ा होता है तो हमारा एस एन का फॉर्मूला यही लगता है, तो हम रख दें ए, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, आर, आर की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, अपॉन में 2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करें इसे, एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाय 6। ये ज्यादा सॉल्व हो नहीं सकता, 2 की पावर एन माइनस 1 ही रखते हैं इसको, 2 में से बन गया 1, यानी कि ये इसमें ऐड नहीं हो सकता क्योंकि वो तो 2 की पावर में टर्म है, फैक्टर्स होते हैं कुछ कॉमन आता देन तो आगे सॉल्व करते, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको हमने यही छोड़ दिया और यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी ये चीज अलग थी कि 2 की पावर एन का सम, 2 की पावर एन हमें एन नेट टर्म दे रखी थी, तो फर्स्ट टर्म में क्या आएगा ये, सेकेंड टर्म में ये, थर्ड टर्म में ये, एन एट टर्म में, यानी इसका सम निकाला था। ध्यान से देखा तो ये जिप्पी थी, देखिए स्पेशल सीरीज में हमने स्टार्टिंग में कहा था क्या होता है, स्पेशल सीरीज ऐसी होंगे एपी जिप्पी का सम भी हो सकता है, तो ये उसी का एग्जांपल था आपके पास, इसमें एपी भी थी और इसमें क्या थी, जिप्पी भी थी आपके पास। ठीक है, एपी तो नहीं थी क्या, पर हमारे पास एक सीरीज थी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे हमने किया हुआ सम ऑफ एन स्क्वायर पड़ा, ये चीज अलग थी, इसमें 2 की पावर एन, ये हमारे पास क्या थी, जिप्पी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या है, अगेन आपको एन एट टर्म दे रखी है, एन एट टर्म को सॉल्व करें पहले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अभी से ज्यादा सॉल्व तो हो नहीं सकती है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, एस एन, एस एन के लिए हम समीशन लगा देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए, समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाय 6। समीशन एन का फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस 1 बाय प्लस में एन, टर्म कॉमन ले ले, क्या आएगी, 4 कॉमन आ सकता है, एन एन प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, 4 नहीं आएगा क्योंकि इस टर्म में नहीं है, एन एन प्लस 1 बाय 2 ये कॉमन ले लेते हैं। ठीक है,
तो यहां क्या बचेगा आपके पास, इस टर्म को काट दीजिए, टू और थ्री, थ्री टू जा सिक्स कॉमन इंच, ठीक है। सिक्स को थ्री से डिवाइड किया, टू, टू की टू से मल्टीप्लाई, फोर, एन कॉमन आ चुका है, एन प्लस वन भी कॉमन आ चुका है, क्या बचा है टू एन प्लस वन। सिक्स को टू से डिवाइड किया थ्री और उस थ्री की मल्टीप्लाई फोर से, ट्वेल्व, एन भी कॉमन आ चुका है, एन प्लस वन भी कॉमन आ चुका है। अगेन हम एन प्लस वन भी कॉमन नहीं ले सकते इस टर्म में, देखिए दोबारा से करते हैं यहां से, क्योंकि इसमें नहीं है एन प्लस वन। हमने क्या किया, एक तो हमने एन कॉमन लिया, बस एन ही लेंगे, अपॉन में हमने क्या कॉमन ले लिया, सिक्स। सिक्स को थ्री से डिवाइड किया टू, टू की टू से मल्टीप्लाई फोर, अंदर क्या बचा है एन प्लस वन और टू एन प्लस वन। सिक्स को टू से डिवाइड किया थ्री, थ्री की फोर से मल्टीप्लाई ट्वेल्व, एन कॉमन ले चुके हैं, क्या बने बचेगा एन प्लस वन, और एन में से यहाँ पे अपॉन में क्या है वन। सिक्स को वन से डिवाइड किया सिक्स और सिक्स की यहां से मल्टीप्लाई सिक्स, जो एन था वो हमने कॉमन ले चुका, ये बचा है आपके। इसको सोल्व करें, फोर इन दोनों ही ब्रैकेट्स को टू एन स्क्वेयर प्लस टू एन और एन थ्री एन प्लस वन माइनस ट्वेल्व एन प्लस वन प्लस में सिक्स। और सॉल्व करते हैं इसको, एट एन स्क्वेयर प्लस में ट्वेल्व एन प्लस में फोर माइनस ट्वेल्व एन माइनस ट्वेल्व प्लस में सिक्स। सिंप्लीफाई करें, ट्वेल्व एन से ट्वेल्व एन कट गया है, क्या आया आपके पास एन बाय सिक्स, एट एन स्क्वेयर, छह और चार दस, और ये क्या है आपके पास माइनस का बारह। सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का टू। अब क्या कर सकते हैं, हम टू कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा फोर एन स्क्वेयर माइनस वन, कैंसिल आउट हो गया एन बाय। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं करना चाहो तो, ये क्या बनेगा ए का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहां तक छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, एक स्टेप और सिंप्लीफाई हो सकता था, देन हमने कर दिया, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए जरा दोबारा से हमने क्या किया, सिंपली था क्वेश्चन, हमें एन टर्म गिवन थी, हमने क्या निकाला एस एन, समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया, समीशन एन का फॉर्मूला पुट किया, जो टर्म कॉमन आ सकती थी कॉमन, रिमेनिंग को हमने क्या किया सिंप्लीफाई किया और हम अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच गए। होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, डिस्क्रिप्शन में इनके सोल्यूशन लेना ना भूलें, आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।